यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, जिसमें ग्लोबल विकास में योगदान देने वाले विभिन्न इंडस्ट्रीज शामिल हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ESC के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत IT और IT नेबल सर्विस के क्षेत्र में लीडर बना हुआ है। हमारी वर्ल्ड क्लास लोकल टैलेंट, इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर भारत का IT क्षेत्र देश के विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच एक तेजी से लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारत रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में एक पावर हाउस बना हुआ है। लेकिन देश की शिक्षा के सर्वोच्च गुणवत्ता से परे भारत की वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कल्चर एक प्रकार के व्यक्तिगत विकास की अनुमति देती है, जो दुनिया में कोई भी अकेडमिक पाठ्यक्रम प्रदान नहीं कर सकता है। अदानी सोलर भारत की पहली और सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर कंपनी है। ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज के लिए सरकार के दबाव ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास को बढ़ावा दिया, जो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। हम अगर दूसरी ओर देखें तो यह साल हमारे लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि भारत की G20 की अध्यक्षता एक वर्ष की मील के पत्थर की प्रमाणित है। देश चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया, चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को Washington DC में रेड कारपेट पर स्वागत हुआ। एक हद तक भारत की G20 की अध्यक्षता को एक ऐतिहासिक क्षण माना जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन भारत की पिवोटल मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होने का वादा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसके एस्पिरेशन को चीत करता है। आपको क्या लगता है कि भारत आने वाली सुपर पावर बन सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।